तो अब हमने इसे एक स्ट्रेनर में निकाल लिया है और इस पर हम पानी डाल के इसको हल्के से फ्रीज कर देंगे। इसमें सारा पानी हम इसे हल्के निचोड़ते हैं, मसाले ऐड करते हैं। तो हमने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट यूज के साथ लाल मिर्च पाउडर, इसी के साथ इसके अकॉर्डिंग हम नमक इसमें यूज़ करेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच दही और इसी के साथ हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड करेंगे। 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च और 2 चम्मच हमने यहाँ पे कॉर्न फ्लोर यूज़ किया है, यानी कि मैदा। और अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें एक बाइंडिंग आ जाए। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से अब हम इसको हाथ से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं और अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें सारे मंचूरियंस को एक साथ नहीं डालना है, एक एक करके डालना है, वरना क्या होगा कि सभी ना आपस में चिपक जाएंगे। तो बस इस तरह से हमें एक एक करके यहाँ पे सोया चंक्स को डालना है जो हमने मसाले में ऐड करके रखा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए ऐसे गोल्डन होने तक हमें अच्छे से फ्राई कर लेंगे और अच्छे से इन्हें गोल्डन होने तक क्रिस्पी हो जाएंगे ये, फिर हम इनको फ्राई करके निकाल लेंगे। ये देखिए आप इस तरह से इनका कलर पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर रेसिपी पसंद आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी टिप्स चाहिए या कोई भी रेसिपी की टिप्स आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो लीजिए यहाँ पर हम इसी तरह से अपने सारे सोया चंक्स को फ्राई कर चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे ले लिया एक पैन और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल और इसी के साथ हम इसको अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद में हम यहाँ पे मैंने 2 से 3 कलियाँ लहसुन की और 2 हरी मिर्च जो मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है, थोड़ा सा अदरक उसको भी अच्छे से कट कर लिया है बारीक, और इन्हें हम 10 से 15 सेकेंड के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे अपनी सब्जियाँ, प्याज जिन्हें मैंने क्यूब्स में काट रखा था और आप देख सकते हैं कुछ इस साइज में हमने यहाँ पे काटा है। इसी के साथ में हमने टमाटर के अंदर के पार्ट में जो होता है बीज उसको हमने निकाल दिया है और कुछ एक शिमला मिर्च ली है जिसे भी हमने फाइन स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर और इसी के साथ हम ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे नमक और 1 चम्मच यहाँ पे हम चीनी ऐड कर दिए, ये फ्लेवर को काफ़ी अच्छे से बैलेंस करते हैं। डार्क सोया सॉस 1 टीस्पून के करीब है, हम इसे यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसी के साथ हम यहाँ पे रेड चिली सॉस ऐड कर रहे हैं और इसी के साथ मैंने इसमें शेजवान चटनी भी ऐड की है, दोनों को मिक्स करके ऐड किया है 1/2 टीस्पून।
और अच्छे से इन्हें मिक्स करने के बाद में देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी ग्रेवी बनके रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इसमें टोमेटो सॉस और एक चम्मच कॉर्न स्टार्च में मैंने स्लरी बना के रखी हुई थी वो यहाँ पे ऐड कर दी है। तो देखिए कुछ इस तरह से हमारी बिल्कुल तैयार है सोया मंचूरियन और हमने यहाँ पे फ्राई किए हुए मंचूरियन भी ऐड कर दिए हैं और बस अभी से हमें मुश्किल से 10 से 20 सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे और ये काफ़ी अच्छे से पक जाएगी और अब हम इसे एक प्लेट में सर्व कर देंगे। तो देखिए ये पूरी तरीके से कुक हो चुकी है और हमारे सोया मंचूरियन बनके रेडी है। तो लीजिए एंजॉय कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर।